पोस्ट में आपका स्वागत है। मिस नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर बेगूसराय जिले से सामने आ रही है। जी हाँ, बेगूसराय जिले के बरौनी रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। रिफाइनरी में बेसल ब्लास्ट हुआ है जिसमें दर्जनों कर्मी घायल हो गए हैं। जी हाँ, इस हादसे का शिकार हो गए हैं। आपको बताते चले कि इस धमाके की चपेट में दर्जन भर कर्मी आ गए। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आनन फानन में इन्हें इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बरौनी रिफाइनरी में हुए इस बड़े हादसे में लगभग 12 से 15 कर्मी जख्मी हुए हैं। हादसे को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र में सभी तरह के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। धमाके के बाद रिफाइनरी में राहत और बचाव का काम भी शुरू है। रिफाइनरी ईडी शुक्ला मिस्त्री ने बताया कि घायलों को रिफाइनरी के अस्पताल समेत पास के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि प्लांट में एक महीने से शटडाउन था, दो दिनों से उसे चालू करने का काम चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक यूनिट में तकनीकी खराबी के कारण अचानक ब्लास्ट हो गया, इस कारण वहां मौजूद कर्मी जख्मी हो गए। ज़्यादातर जख्मी कर्मचारियों को सुशील नगर स्थित NH 31 के पास ग्लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ कुल 9 लोग भर्ती बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। बाकी 8 लोगों की हालत भी ठीक ठाक नहीं बताई जा रही है। बाकी के घायल कर्मियों का इलाज रिफाइनरी के निजी अस्पताल में चल रहा है। कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जी हाँ, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस धमाके से बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिर भी 12 से 15 लोग जख्मी हो गए हैं इस हादसे में। हमारी अभी अभी प्लांट में शटडाउन हुआ थे एक महीने से, और होने के बाद अभी हम लोग हमारी जो AV1 है उसको स्टार्टअप कर रहे थे। तो दो दिन से स्टार्टअप चल रहे थे और वो ठीक ठीक भी जा रहे थे। और उसी प्लांट का मौजूद और एक हीटर है जिसमें हमारी थोड़ा डैमेज हो गया, और वो जो डैमेज हो गया उसके टाइम पे कुछ जो हमारी लेबर लोग और हमारी एम्प्लॉयज़ लोग जो इधर उधर थे उसको तो इंजरी हो गया। हमने तुरंत सबको लेके हमारी फर्स्ट एड के बाद हमारी अपनी हॉस्पिटल में और नियर बाई ग्लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसकी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसकी पूरा ख्याल रख रही हूँ। कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको पूरी टेक कर रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी में पिछले दिनों शटडाउन चल रहा था, और शटडाउन की प्रक्रिया के बाद रिफाइनरी को रीस्टार्ट किया जाता है। AV1 यूनिट के जो फर्नेस थे उसके एक पार्ट में ब्लास्ट हुआ, और जिसमें आसपास में काम करने वाले जो मजदूर थे या जो इनके अस्थाई कर्मचारी हैं वे घायल हुए हैं। अभी तक हमने जो देखा है उसके हिसाब से रिफाइनरी अस्पताल में 12 और ग्लोकल हॉस्पिटल में 7, 19 लोगों के घायल होने की सूचना है जिन्हें हमने देखा है, और उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है, वो सब खतरे से बाहर हैं। बेहतर उपाय के लिए जिला प्रशासन को हमने तुरंत सूचना दी। जिलाधिकारी महोदय और SP साहब को भी हमने कहा, प्रशासनिक उपाय भी किए जा रहे हैं। ऐसी आपदा की स्थिति में हम सब मिलकर सहयोग करें। हमें लगता है कि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है और रिफाइनरी सुरक्षित है। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप सिर्फ पोस्ट को देखते रहिए। धन्यवाद।